सरकार ने आवासहीनों को आवास देने, कच्चे मकान वाले पक्के मकान देने और किराएदारों को भी घर देने की योजना में तेजी ला दी है। शहरी क्षेत्रों में निवासरत परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालित योजना मोर जमीन मोर मकान के लिए मकान देने की शुरुआत हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम कार्यालय में लगी ये भीड़ आवास लेने वालों की है। इस तरह की भीड़ सभी शहरी क्षेत्रों में उमड़ रही है। पीएम आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीन परिवारों को आवास देने की शुरुआत कर दी है। राज्य में मोर जमीन मोर मकान के तहत उन परिवारों को सरकार पक्का मकान बनाकर दे रही है जिनके पास अपनी खुद की खाली जमीन, कच्चा मकान या पट्टा वाला मकान है। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष छूट दी जा रही है। ऐसा कोई भी हितग्राही है जिसके पास कच्चा मकान हो, जिसका या मकान ही ना हो, दोनों ही स्थिति, लेकिन जमीन हो खुद के नाम से, और उसकी रायपुर में वो 31 अगस्त 2015 के पहले का निवासरत हो, उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और पूरे भारत में उसका कहीं भी पक्का मकान नहीं ना हो, उनके पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाया जाएगा, कच्चे मकान को या फिर खाली जमीन पे मकान बनाया जाएगा। आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए अनुदान देगी, जिसमें केंद्र सरकार अधिकतम वित्तीय सहायता 1.5 लाख रुपए देगी, वहीं राज्य सरकार अधिकतम वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए देगी। मकान निर्माण की शुरुआत हितग्राही को स्वयं के संसाधनों से करना होगा। इसके बाद ही भूतल के लिए 4 किश्त एवं प्रथम तल के लिए 3 किश्त में बैंक के माध्यम से ये अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राही को मात्र 75,000 रुपए में घर मिल जाएंगे। वहीं सरकार ने किराएदारों को भी मकान देने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत देश भर में जिनके पास कहीं भी मकान नहीं है, ऐसे किराएदारों को भी सरकार सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध करा रही है। उन्हें भी आवास योजना का लाभ दिलाने शिविर लगाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहना है शिविर में आने वाले लोगों का। इस योजना का पता चला तो इसका फॉर्म भरने आए हुए हैं, ताकि मतलब इस योजना से हम भी लाभान्वित हो सके। जो हम किराया रेंट में दे रहे हैं उधर न देके इधर देंगे। मुझे लग रहा है इस योजना से मुझे फायदा भी मिलेगा, और जो मैं रेंट में पैसा देता था वो पैसे मैं बजट करके यही बैंक में फाइनेंस कराऊंगा और एक दिन मुझे अपना पक्का मकान मिल जाएगा। और इस योजना के लिए सरकार को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वास्तव में सरकार जिस तरीके की योजनाओं से आम लोगों को जोड़ रही है, गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देने की कोशिश कर रही है, उससे जल्द ही शहरी क्षेत्र में निवासरत परिवारों के पास अपनी खुद की चिन्हारी स्वयं का आवास होगा। सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में तो और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।